आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मस्जिद बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है और इसका हर मुसलमान को किस कदर अफसोस है वो सब जानते हैं। आज जुमे का दिन भी है लेकिन हमने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, कभी से सुना भी नहीं था कि कोई ऐसा दिन होगा कि हम यानी हम नमाज़ पढ़ने जाएँ या ना जाएँ मस्जिद लॉक होगी। यहाँ पर मेन गेट देख सकते हैं, दरवाज़ा लॉक है, सामने कोन्स रखे हुए हैं ताकि जो है आप कौन बाहर दूर से अंदाज़ा हो जाए कि ये लॉक भी है। इस कदर अफसोस है हर शख्स को, हर मुसलमान को, चाहे वो दुनिया में के किसी भी हिस्से में रहता हो, कि उनकी मस्जिद जो हैं उस पर इस वबा की वजह से वहाँ जा भी नहीं पाते हैं, नमाज कोई नहीं हो रही और जुमे की नमाज खुसूसन जो कि पढ़ने के लिए और लोग बहुत सारे लोग शुरू से ही काफ़ी पहले से ही आकर के बैठते हैं नमाज के लिए। और मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए कि किस कदर अफसोस में हूँ मैं, और खुसूसन जब ये तो एक यहाँ की मस्जिद है, खाने काबा में हरम में नमाज नहीं हो रही, उमरा नहीं हो रहा, तवाफ़ नहीं हो रहा, मस्जिद नबी में नमाज नहीं हो रही, तो उससे बड़ा और क्या अफसोस हो सकता है। तो बहरहाल दुआ करें सब मिल करके अल्लाह ताला इस परेशानी से हमें जल्द अज जल्द निकाल लें। टोरंटो की एक और जामा मस्जिद है, इसमें नगेट मॉस्क के नाम से मशहूर है। यहाँ पे बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत मस्जिद है, तकरीबन 40 साल पुरानी है, 25 साल से तो मैं खुद इस मस्जिद में आता हूँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस वबा की वजह से एहतियाती तौर पे ये मस्जिद को भी बंद किया गया है। इनफैक्ट सारे मस्जिद बंद है, जुमे की नमाज यहाँ पे नहीं होगी। एक साहब तो मैंने देखा शलवार कमीज पहन करके टोपी लगा करके यहाँ पे आकर के चक्कर लगा के देख रहे थे कि शायद ये मस्जिद खुली हो, लेकिन वो बेचारे मायूस होकर के चले गए हैं। बड़ा दिलखराश मंजर है और एहतियाती तौर पर जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में मस्जिद को भी बंद कर दिया गया है। वो जगह जहाँ पे गैदरिंग हो सकती है, लोग एक दूसरे के करीब हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता इस वायरस इस वबा के बढ़ने के चांसेस उसमें ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, एक अगर ज़िंदगी में कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि जुमे की नमाज़ पढ़ने वाला कभी मस्जिद ना जा सकेगा इस वक्त, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जल्दी रिकवर होने वाली ये चीज़ें, तो ये मंजर मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे, और फिर हम आगे बात करते हैं।